हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधिकास कलाकारी में। आज मैं आप लोग के साथ मधुबनी पेंटिंग के बॉर्डर से रिलेटेड वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हम जो बिगनर्स हैं, जो बहुत ही इजी वे में मधुबनी पेंटिंग के बॉर्डर को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैंने प्लेन पेपर पे लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और एक एक इंच के पॉइंट्स रख के मैंने ट्रायंगल शेप बनाए हुए हैं। मधुबनी पेंटिंग जो है मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है, और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो मिथिला क्षेत्र के शासक राजा जनक ने अपनी बेटी की शादी को दर्शाने के लिए चित्रकला के इस नए रूप का अनुरोध किया था। मधुबनी पेंटिंग अपनी विविध विषयों के लिए प्रसिद्ध है, जो जीवन और आध्यात्मिकता के अर्थ को पकड़ते हैं। अब मैंने जो ये ट्रायंगल बनाए हैं, मैंने इसमें जो है सीधी सीधी लाइंस को ड्रॉ कर लिया है ब्लैक कलर से, और देखने में जो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और जो उसके अपर ट्रायंगल पार्ट है उसको मैंने ग्रीन कलर से फिल कर लिया है। मधुबनी पेंटिंग में कलर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए हमेशा जो है गहरा लाल रंग, नीला, काला, पीला, गुलाबी, नींबू रंग, चटक रंगों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ हल्के रंगों से भी चित्र में निखार लाया जाता है, जैसे पीला, गुलाबी और नींबू रंग, और चटक रंगों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लीव्स की शेप की डिज़ाइन बनाई है और उसमें हाफ हाफ किया है ऑरेंज कलर एंड येलो कलर। अब नीचे की लाइन में मैंने सर्कल्स बना लिए हैं और इनको मैं ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रही हूँ। इसमें ये जो मैंने मधुबनी पेंटिंग का बॉर्डर बनाया है, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। बहुत ही ईजी वे में मैंने इसको ड्रॉ किया है। पहले अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करिए एंड देन उसके बाद आप ब्लैक पेन एंड देन कलर से आप फिल करिए। आगे ही आपके लिए ऐसे ही